नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात करेंगे कुछ खास यानी देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि कुंभ राशि में अभी तक गोचर कर रहे थे और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि यानी मीन राशि में संचार करने वाले हैं, इसका क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होने वाला है 12 राशि के जातकों को, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन अक्सर एक बड़ी चर्चा का विषय बनता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 2 बड़े शुभ ग्रहों में से एक हैं और हमारे जीवन में जहाँ पर सुख की बात आती है, जैसे कि ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, इन सभी प्रकार के जो भी सुख होते हैं ये हमें सब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यदि आप एजुकेशन वाइज अच्छे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके देवगुरु बृहस्पति आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं और आपके जन्मांक चक्र में गुरु की शुभ दृष्टि है, शुभ प्रभाव है। आप किसी भी प्रकार के सुख की यदि बात करें, जैसे भूमि, मकान, माता का सुख, सुख जितने भी प्रकार के होते हैं ये सब देवगुरु बृहस्पति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। जिनके जन्मांक चक्र में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी होती है ऐसे व्यक्ति ज्ञानी होते हैं और बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति होते हैं। साथ ही किसी भी व्यक्ति की अवहेलना नहीं करते हैं, अपमान नहीं करते हैं और स्वयं एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति भी होते हैं। धर्म के प्रति हमेशा जागरूक रहते हैं, धार्मिक कार्यों में बहुत ही अच्छी रुचि रहती है और साथ ही इनका धैर्य और विवेक बहुत अच्छा होता है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की पोजिशन अच्छी है तो आपको इस प्रकार से कुछ रिजल्ट मिलेंगे। आपकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, दिन प्रतिदिन आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, संतान आपकी बहुत ही अच्छी होगी, सुशील और संस्कारी होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा पदोन्नति आपको मिलेगी, प्राप्त होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा। लेकिन यदि देवगुरु बृहस्पति की पोजिशन आपके पत्रिका में अच्छी नहीं है तो इन्हीं सब चीजों में आपको कमी देखने को मिलेगी, यानी संतान से शुभ फल का प्राप्त नहीं होगा, पढ़ाई में आपका मन नहीं लगेगा, धन की हमेशा जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो आप उसमें काफी तंगी महसूस करेंगे, धन का आवागमन सही तरीके से नहीं होगा, आप फालतू के कर्जों से परेशान हो सकते हैं। समाज में आप कितना भी अच्छा काम कर लें, घर परिवार में, समाज में आपका नाम इस तरीके से नहीं हो सकता जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यदि देव गुरु बृहस्पति की पोजीशन इस तरह से है तो आपके मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। जैसे कि सूर्य राजा हैं, सूर्य से हम गवर्नमेंट जॉब का विचार करते हैं। यदि हम सरकारी जॉब हमें चाहिए होती है तो सबसे पहले हम सूर्य को देखते हैं, लेकिन उस पोजिशन में पहुंचने के बाद आपको मान सम्मान किसके द्वारा प्राप्त होगा तो वो है देव गुरु बृहस्पति। सूर्य राजा है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, लेकिन उस जॉब में आप स्थिरता बनाए रखें और वहां पर अपने जहां पर भी आप जॉब करते हैं उस प्लेस में आपका नाम हो, आपकी प्रतिभा हो, आपका व्यक्तित्व अच्छा हो, सम्मान में वृद्धि हो, ये सब आपको देव गुरु बृहस्पति ही देंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति के द्वारा ही मान सम्मान की प्राप्ति होती है और एक अच्छी पोजिशन भी देव गुरु बृहस्पति के द्वारा ही मिलती है। तो इसलिए देव गुरु बृहस्पति का पत्रिका में शुभ होना बेहद आवश्यक होता है। कहते हैं किम करोति ग्रह सर्वे यद्यपि केंद्र बृहस्पति, यानी यदि देव गुरु बृहस्पति आपके जन्मांक चक्र में केंद्र में स्थित हैं या त्रिकोण में भी स्थित हैं तो सभी ग्रह यदि अच्छी पोजीशन में नहीं भी हैं तो ऐसे में आपको किसी भी प्रकार की जो भी परेशानियां उन सभी प्रकार की परेशानी से बाहर निकलने में कोई अधिक मुश्किल और परेशानी नहीं होगी। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों के लिए क्या शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति के गोचर में परिवर्तन से। तो आपके राशि से देव गुरु बृहस्पति द्वादश स्थान में गोचर करेंगे। द्वादश स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर धर्म के प्रति आपको जागरूक करेगा, धर्म कर्म में अधिक मन लगेगा, धार्मिक कार्यों के योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का मौका मिलेगा और इसमें कुछ धन व्यय अधिक मात्रा में होगा। घर परिवार से संबंधित सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा और साथ ही भूमि, भवन, वाहन, मकान आदि के योग बनेंगे जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न होगा और साथ ही आपके जो भी पहले से घर परिवार को लेकर के सपने थे वो सपने आपके पूरे होंगे। घर, मकान और साथ ही घर का पारिवारिक माहौल बहुत ही बेहतरीन रहेगा। देव गुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके 6ठे स्थान में रहेगी तो ऐसे में
आपके ननिहाल पक्ष से आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, और साथ ही आपके जो शत्रु हैं उन शत्रुओं का आप दमन करने में सक्षम रहेंगे। यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ परेशानियां थी तो ऐसे में आप स्वास्थ्य में भी काफी बेहतरीन महसूस करेंगे। आपको स्वास्थ्य संबंधी जो भी आपकी परेशानियां थी वो परेशानियां खत्म होंगी। वहीं पर कुछ कोर्ट कचहरी से संबंधित यदि विवाद थे तो वो विवाद आपके जल्द ही खत्म होंगे। यदि आपको पेट से संबंधित, उदर से संबंधित कुछ परेशानियां रहती थी या आपको बार बार चोट चपेट आदि लग रहे थे तो देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद उन सभी प्रकार की परेशानियों से आपको राहत मिलेगी। तो कुछ इस प्रकार से मेष राशि के जातकों को देव गुरु बृहस्पति के गोचर में परिवर्तन से शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसे परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपके राशि से एकादश स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। एकादश स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए शुभ रहने वाला है। धन वृद्धि के योग बनेंगे, धन आगमन के योग बनेंगे, परंतु अनायास के धन व्यय भी हो सकते हैं। स्पेशली आपको छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा और साथ ही मित्रगणों का सहयोग मिलेगा। देश विदेश से संबंधित कोई भी कार्य यदि आपका रुका हुआ था, जैसे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, इस तरह से यदि आप कोई भी कार्य कर रहे थे तो देश विदेश से रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। विदेश यात्रा के पूर्णतः योग बनेंगे। यदि आप काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि आप विदेश जा करके कोई भी अपना काम स्टार्ट करें और आप जा नहीं पा रहे थे किसी भी कारणवश, तो ऐसे में अब विदेश यात्रा के पूर्णतः योग बने हुए हैं। वहीं पर संतान का सुख आपको प्राप्त होगा, संतान का सुख या संतान से सुख प्राप्त होगा। जो लोग लव लाइफ में हैं, लव बर्ड्स को अपने लव पार्टनर के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा और साथ ही संतान और स्टूडेंट्स दोनों को ही इस समय विशेष में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। यदि आप हायर स्टडी के लिए प्रयासरत थे और आपकी स्टडी किसी कारणवश रुकी हुई थी तो वो स्टडी आपकी कंटिन्यू होगी। बिजनेस पर्सन के लिए समय बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। अच्छे टेंडर मिल जाना, अच्छे प्रोजेक्ट मिल जाना, इस तरह की खुशियां आपको मिलने वाली हैं। लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलने से मन अधिक प्रसन्न होगा। लाइफ पार्टनर की एडवाइस आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और इससे आप बहुत ही बेनिफिट में भी रहेंगे। साथ ही यदि आप अपने घर परिवार में, लॉन्ग टाइम से जो लोग रिलेशनशिप में हैं वो अपने घर परिवार में जाकर के शादी विवाह की बात करना चाहते हैं तो शादी विवाह की बात भी आप अपने घर परिवार में कर सकते हैं। तो ये समय कुल मिलाकर के आपके बिजनेस व्यापार के लिए और आपके पर्सनल लाइफ के लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों को किस प्रकार से परिणाम मिलने वाले हैं। तो आपके राशि से दशम स्थान जो कि आपका कर्म स्थान है वहां पर देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में आ रही बाधाएं दूर होंगी। धन और घर परिवार से संबंधित जो भी आपकी परेशानियां थी, यदि आपके घर परिवार में कलह कलेश का माहौल था, लड़ाई झगड़े विवाद थे, आपका काम सही तरीके से बन नहीं पा रहा था, अनायास के धन व्यय हो रहे थे, तो देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव द्वितीय स्थान में रहेगा। अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आप। अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ आपको उसमें बढ़िया लाभ भी मिल सकता है। धन आगमन के नए रास्ते बनेंगे और आपकी सेविंग भी इस समय विशेष में काफी अच्छी हो सकती है। वहीं पर कुटुंब जनों का सहयोग मिलेगा, माता का सहयोग मिलेगा। माता का सहयोग मिलने से मन अधिक प्रसन्न रहेगा और साथ ही भूमि भवन वाहन मकान आदि के भी सपने साकार होंगे। वहीं पर देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि आपकी राशि से छठे स्थान में होगी। तो कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करने के बारे में सोच रहे थे और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो उसमें आपको राहत मिलेगी। आप अपने शत्रुओं का दमन करेंगे और साथ ही विवादित कार्य भी आपके यहाँ पर खत्म होंगे और आप काफी रिलैक्स फील करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से नवम स्थान जो कि भाग्य का स्थान है, तो आपके भाग्य स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके राशि में होगा तो भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी, समाज में आपका नाम होगा, यश कीर्ति वैभव इस समय विशेष में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके जो भी कार्य रुके हुए थे कुछ ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं आप समाज के लिए, जिससे आपके सम्मान में बहुत ही अधिक आपको सम्मान बढ़ता हुआ नजर आए। छोटे भाई बहनों का, मित्रों का सहयोग मिलेगा। देश विदेश से संबंधित यात्राएं आपकी सुखद रहने वाली हैं और यात्राएं भी संभव हैं। वहीं पर संतान के प्रति कुछ अधिक जागरूकता आप रखेंगे और साथ ही संतान के से आपको अच्छी गुड न्यूज मिल सकती है।
माता पिता को संतान के प्रति जो भी चिंताएं थी अब उन्हें चिंताएं नहीं करनी है, जागरूकता बनाए रखिए। बाकी आपकी संतान आपके लिए कुछ अच्छी प्लानिंग भी कर सकती है, कुछ गुड न्यूज दे सकती है। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही बेहतरीन बहुत ही शानदार रहने वाला है। यदि आप हायर स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। आप बाहर जा करके अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या आपको अपनी मनपसंद स्कूल या कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, वो एडमिशन अब आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होगा आपके लिए काफी शुभ परिणामदायक होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि के जातकों को क्या कुछ शुभाशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति अष्टम स्थान में होंगे। थोड़ी सी सावधानी आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बरतनी है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का अष्टम स्थान में गोचर आपके लिए शुभ नहीं होगा। लेकिन द्वादश स्थान को देवगुरु बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, ऐसे में धर्म कर्म में अधिक मन लगेगा, जागरूकता होगी, आप धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का मौका प्राप्त करेंगे और साथ ही धन से संबंधित जो भी आपकी समस्याएं हैं वो खत्म होंगी। अचानक से धन लाभ के योग भी बनेंगे। स्पेशली आपको हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहना होगा और साथ ही घर परिवार माता का सुख प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन आदि का सुख प्राप्त होने से मन प्रसन्न होगा और कुछ नए कार्यों को करके आप अपने मन को अधिक प्रसन्न कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करेंगे जिससे आपका मन हर्षोल्लास से भर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि के जातकों को किस प्रकार से प्रभाव मिलने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के गोचरीय परिवर्तन से। तो आपके राशि से सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अधिक शुभ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान से मिलने वाले सुख में थोड़ी सी कमी कर देते हैं। और सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति को अधिक बल भी प्राप्त नहीं होता है, दिग्बल से शून्य होते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के साथ और बिजनेस पार्टनर के साथ तालमेल बनाए रखने की जरूरत है। समझदारी के साथ आपको कार्य करना है, बुद्धि विवेक धीरज धैर्य और संयम के साथ आपको कार्य करना है। वहीं पर एकादश स्थान में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव होगा तो लाभ आपको बहुत अच्छा होगा। आपके मेहनत अनुसार आप जो भी कार्य करेंगे उससे ज्यादा अनएक्सपेक्टेड धन लाभ आपको हो सकता है। इनकम में आपको किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। इनकम के न्यू सोर्सेज डेवलप करने में आप दिन प्रतिदिन सक्षम रहेंगे। वहीं पर मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा समाज में पदोन्नति के योग बनेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी और समाज में आपका नाम होगा। छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा। मित्र गणों की एडवाइस आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, अपने मित्रों के साथ मित्र गणों के साथ आप बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। विदेश यात्रा के पूर्णतः योग बने हुए हैं और पैतृक संपत्ति का भी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से सुख आपको मिलने वाले हैं। तो ये रहा कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अधिक शुभ नहीं रहेगा। शुभ ग्रहों का गोचर अशुभ स्थान में शुभ परिणाम नहीं देता है। तो देवगुरु बृहस्पति आपके लिए यहाँ पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें दे सकते हैं। आपके अपनों से विरोध उत्पन्न हो सकता है, अनायास क्रोध लड़ाई झगड़े उत्पन्न हो सकते हैं, इससे आपको बचना है। परंतु करियर की यदि हम बात करें तो करियर में आपको न्यू रिप्लेसमेंट मिल सकती है। यदि आपकी जॉब छूट गई थी तो वो जॉब आपको मिल सकती है। पुनः आपके जो भी काम बिगड़ गए थे वो काम आपके बन सकते हैं, लेकिन बहुत ही धीरज धैर्य और संयम के साथ आपको कार्य करना है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, यात्राओं के योग बने हुए हैं, धर्म कर्म से संबंधित आपकी यात्राएं होंगी। हो सकता है कि धार्मिक कार्यों में आपका अधिक मन लगे और अधिक रुझान हो और आप उन कार्यों में हिस्सा लेने का भी मौका प्राप्त करें। इसके अलावा धन में वृद्धि के योग बनेंगे। पिछले काफी टाइम से आप परेशान चल रहे हैं तो अब धन को लेकर के जो भी परेशानियां थी वो परेशानियां खत्म होंगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा, कुटुंब जनों का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक माहौल काफी अच्छा होगा। और जब पारिवारिक माहौल अच्छा होगा, घर परिवार के लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, तो ऐसे में आपकी भी खुशी निश्चित है क्योंकि अपनों को देख करके ही व्यक्ति खुश हो पाता है। तो जब आपके अपने खुश रहेंगे तो आप स्वयं भी खुश और स्वयं को गौरवशाली भी महसूस करेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान में गोचर कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के लिए काफी बेहतरीन मौका है। आपको न्यू अचीवमेंट आपके लिए यहाँ पर मिलने वाली है, नई चीजें आप सीख सकते हैं, गुप्त चीजों में आपकी रुचि हो सकती है, भाग्य का सहयोग मिलेगा,
पिज्जा का सहयोग मिलेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको काफी अच्छा लाभ मिलने वाला है और साथ ही आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। छोटी सी मेहनत में आप अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं क्योंकि भाग्य आपका प्रबल होगा। यदि आप जॉब करते हैं और आपकी इनकम में आपको परेशानी लग रही थी तो आपकी परेशानी अब खत्म होगी। देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव एकादशी स्थान में आपके लाभ में वृद्धि करेगा। दिन प्रतिदिन अब आप ऐसे कार्य करने जा रहे हैं जिसमें आपकी परेशानियां खत्म होंगी और आप अच्छे लाभ अर्जित करेंगे। जो भी कार्य आप करेंगे उसमें आपको परेशानियां नहीं होंगी। साथ ही आपके राशि में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा तो समाज में एक अच्छी प्रतिष्ठा और अच्छा गौरव आप महसूस करेंगे। समाज में मान सम्मान होगा। साथ ही आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको एक बढ़ चढ़ करके तारीफ करने वाले भी लोग मिलेंगे क्योंकि आपके काम लोगों को बहुत अधिक पसंद आने वाले हैं। तो यानी कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए समय काफी बेहतरीन रहने वाला है। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपको शुभ परिणाम देगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो आपके राशि से चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा जो कि आपके राशि के स्वामी हैं। और चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। चतुर्थ स्थान जो कि सुख का स्थान है तो ऐसे में घर परिवार भूमि भवन वाहन मकान आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। माता का सहयोग प्राप्त होगा। गुप्त विद्याओं को सीखने में आपकी रुचि होगी और साथ ही आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलेगी। धन आगमन के नए स्रोत उत्पन्न होंगे और अचानक से धन वृद्धि होगी। अचानक से धन लाभ आपको हो सकता है। वहीं पर कार्य क्षेत्र में काफी राहत मिलने वाली है। आपका जो भी आपके काम नहीं बन पा रहे थे वो काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। कुछ धार्मिक कार्यों में आप हिस्सा ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, धर्म के प्रति जागरूक हो सकते हैं और आपके कर्मों के अनुसार आपको बहुत ही अच्छा लाभ भी प्राप्त होगा। अधिक धन व्यय होगा परंतु धार्मिक कार्यों में होगा जिससे आप स्वतः को प्रसन्न भी महसूस करेंगे। और इससे भी क्योंकि कलयुग में दान विशेष महत्व रखता है, महत्वपूर्ण होता है, तो ऐसे में आप जो भी धर्म कर्म करेंगे ऐसे में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो धनु राशि के जातकों के लिए भी ये समय काफी बेहतरीन रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि के जातकों को किस प्रकार से शुभ अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं। तो आपके राशि से तृतीय स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। तृतीय स्थान जो कि पराक्रम का स्थान है, बल का स्थान है, साहस और ऊर्जा का स्थान है। जिस बल की जो भी बातें होती हैं वो तृतीय स्थान से ही हमें बल प्राप्त होता है। देव गुरु बृहस्पति आपके राशि से तृतीय स्थान में गोचर कर रहे हैं और सप्तम स्थान में देव गुरु बृहस्पति की अमृत दृष्टि होगी। तो यदि आप बिजनेस पर्सन हैं या न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं और यदि आप पहले से बिजनेस कर रहे हैं और आपको उसमें काफी टाइम से परेशानियां देखने को मिल रही हैं, आपकी सेल परचेस बहुत अच्छे से नहीं हो पा रही है, क्रय विक्रय आपका सही नहीं है, या आप किसी को सामान दे देते हैं और आपको वो पर्सन आपसे उधार सामान लेकर के चला जाता है, आपके पैसे नहीं देता है, तो अब इन परेशानियों से आपको निजात मिलने वाला है। आपके बिजनेस में कुछ अच्छे प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं, आप कुछ नई चीजें ऐड कर सकते हैं जिससे आपको काफी अच्छा बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। और साथ ही यदि आपको अभी तक आपके लाइफ में कुछ ऐसी परेशानी चल रही थी जैसे कि आपको कोई टेंडर नहीं मिल रहा था, आप बिल्कुल लास्ट पॉइंट में आकर के हार जाते थे, तो ये समय आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। यानी व्यापारिक दृष्टि से आपको बहुत ही अच्छी सफलता मिलने वाली है। बिजनेस पर्सन के लिए समय बहुत ही शानदार रहने वाला है। अच्छे कॉन्ट्रैक्ट के कारण बहुत ही बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकता है जिससे आप काफी प्रसन्न रहेंगे। विपरीत धर्म के लोगों से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। वहीं पर भाग्य का पूर्णतः सहयोग मिलेगा और जब भाग्य का सहयोग मिलता है तो बहुत बड़े से बड़े काम बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं और उसमें आप काफी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनकम में आपको किसी प्रकार की कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी। दिन प्रतिदिन आपके काम कुछ ऐसे होंगे कि आप धन आय के नए मार्ग प्रशस्त करेंगे और उसमें आप बहुत ही प्रसन्न और बहुत ही सुखद अनुभूति आपकी रहेगी, बहुत ही खुशनुमा महसूस करेंगे आप स्वयं को। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ शुभ अशुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो आपके राशि से द्वितीय स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। द्वितीय स्थान जो कि कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, तो वाणी में मधुरता होगी और साथ ही कुटुंब जनों का सहयोग प्राप्त होगा। छठे स्थान में देव गुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आपके यदि कुछ पुराने शत्रु थे वो शत्रु आपसे पराजित होंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे। ननिहाल पक्ष से आपको कुछ गुड न्यूज मिल सकती है, काफी अच्छी हेल्प मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है जिससे आप कोई भी कार्य करने में बहुत अच्छे आगे जाने वाले हैं और सक्षम रहेंगे।
यदि आपका काफी लंबे टाइम से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उसमें आपको काफी राहत मिलेगी और साथ ही अचानक से धन लाभ के भी योग बनेंगे। करियर आपका बहुत ही अच्छा होगा। यदि आप काफी लंबे टाइम से कुछ प्लानिंग्स कर रहे थे और वो प्लानिंग्स आपकी सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपके कर्म स्थान में है, तो अब आपकी वो प्लानिंग एक अच्छा रूप लेने वाली है और आपको बहुत ही अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको आलस्य नहीं करना है, इससे आप बहुत ज्यादा बेनिफिट पाने वाले हैं और आपके सभी काम भी बनेंगे जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि में ही देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। आपके राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर करने वाले हैं और देव गुरु बृहस्पति आपके लिए काफी शुभ परिणामदायक होंगे। आपके राशि में ही देव गुरु बृहस्पति का गोचर होगा। पंचम स्थान को यानी आपके प्रारब्ध स्थान को देव गुरु बृहस्पति प्रभावित कर रहे हैं, तो प्रारब्ध आपका साथ देगा। पिछले समय में जो भी आपने काम किए हैं उनका बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। संतान का सुख व संतान से सुख प्राप्त होगा। आपकी संतान आपके लिए कुछ ऐसे कार्य कर सकती है जिससे आपका मन काफी हद तक सुखद और प्रसन्न आप स्वयं को महसूस करेंगे। संतान आपके लिए कुछ सरप्राइज भी प्लान कर सकती है। वहीं पर स्टूडेंट्स को नया मौका मिल सकता है अपनी स्टडी को लेकर के। यदि आप अच्छी कॉलेज या स्कूल में एडमिशन चाहते हैं और जो कि नहीं मिल पा रहा था तो वो अब आपको मिलेगा। कुछ नई चीजें, कुछ गुप्त ज्ञान या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यदि आप इसकी तैयारी कर रहे थे तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यानी स्टडी को लेकर के समय आपका बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। जो लोग लव पार्टनर्स हैं वो अपने घर में शादी विवाह की बात करना चाहते हैं। लॉन्ग टाइम से रिलेशन में हैं और अब तक आपने बात नहीं की है, आप बात करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, तो आपको डरना नहीं है। एक अच्छा सा समय देख करके आप अपने घर परिवार में बात कर सकते हैं। आपकी बात बनने के पूरे योग बने हुए हैं। और जो लोग पहले से दाम्पत्य जीवन में हैं उनके जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी। क्वालिटी टाइम आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ स्पेंड करने का मौका मिलेगा। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वहीं पर जो लोग बिजनेस पर्सन हैं उन्हें बिजनेस में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, न्यू आइडियाज आ सकते हैं। विपरीत धर्म के लोगों से आपको लाभ मिल सकता है और साथ ही कुछ अचानक से आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नया टेंडर आपके हाथ लग सकता है और इसमें आप बहुत ही अच्छा लाभ भी अर्जित कर पाएंगे। वहीं पर भाग्य का आपको पूर्णतः सहयोग मिलेगा। भाग्य का सहयोग मिलने से आपका अधिक मन प्रसन्न रहेगा। आपके कठिन से कठिन कार्य बहुत ही आसानी से पूरे होंगे। धर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि होगी और इसके साथ ही आप धर्म कर्म के कार्यों में हिस्सा भी लेंगे। तो कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों को भी बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। तो दर्शकों, ये रहा मेष से मीन राशि यानी 12 राशि के जातकों को किस प्रकार से शुभ अशुभ परिणाम मिलने वाले हैं देव गुरु बृहस्पति के गोचर में परिवर्तन होने के कारण। यदि इसके अलावा आपके कुछ प्रश्न हैं, आपको हमारी कोई बात में समझ में ना आई हो, आपके और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।